फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आम और नारियल की एक बहुत ही टेस्टी बर्फी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसमें बहुत कम चीज़ें लगते हैं, तो आइए फ्रेंड्स इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ले लेना है आम। पका हुआ आम मैंने लिया है और उसको मैं ऐसे कट कर रही हूँ। आम की बर्फी बनाने के लिए हमेशा आप मीठे आम का यूज़ कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे जो आम के पल्प है वो निकाल लिए हैं और इनको ब्लेंडर जार में निकाल लिया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें दूध या पानी भी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक नारियल को ले लेंगे और उसको छील कर इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कच्चा नारियल का यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, यानी कि जो नारियल का बुरादा होता है वो ले सकते हैं। अब हम ये जो रोस्टेड नारियल है उसको थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार है। ये हमारा ये मैंगो पल्प और ये नारियल को जो ग्राइंड किया था वो तैयार है, और थोड़े से आलमंड और एक कटोरी चीनी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ये पल्प डाल देंगे डायरेक्टली। इसमें कोई घी वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है। और ये पल्प डालने के बाद इसको तुरंत ही चलाते रहना है, हमें इसको बिल्कुल भी अभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंगो जो है वो नीचे चिपक जाएगा। और आप कोशिश करिएगा कि नॉनस्टिक पैन ले। अभी हम इस पल्प को तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर डार्क दिखने लगेगा, तब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये आम का जो पल्प है वो येलो से थोड़ा सा ऑरेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पर हाफ कटोरी चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि ये आम जो है वो पहले से बहुत मीठे हैं और थोड़ा सा आम लिया है मैंने, इसीलिए हाफ कटोरी चीनी मैंने डाल दिया है। और आप देख सकते हैं चीनी जैसे मेल्ट हो गया, इसका कलर भी बिल्कुल ऑरेंज हो गया, क्योंकि चीनी जो है वो कैरमलाइज्ड होती है। तो ये हमारा मैंगो ग्लेज़ बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट। ये हमने कोकोनट को जो ग्राइंड किया था वो एक कटोरी है, तो मैं इसको अब पूरा डाल दूंगी। और इसको डालते ही फटाफट से हमें इसको मिला देना है मैंगो के साथ, क्योंकि ये नारियल भी नीचे से जल जाएगा, तो इसलिए आपको तुरंत ही इसको मिक्स करके बस चलाते जाना है। अब ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा, बस आपको इसे मिक्स करते रहना है। और आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं बीच में, और अगर आपको चाहिए तो आप इलायची का पाउडर या फिर केसर डाल सकते हैं, पर मैं इसमें ऐसा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे मैंगो और कोकोनट का फ्लेवर पसंद है, तो मैं इसको सिंपल बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे आप इसको चलाते रहिए। मैंगो का पल्प हमें ग्लेज बनाने के लिए 10 मिनट का टाइम लगता है, और फिर उसके बाद ये नारियल डालकर पकाने में भी हमें 10 मिनट लगता है। तो करीब 15 से 20 मिनट में ये हमारी नारियल और आम की बर्फी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो बर्फी का मिक्सचर है वो ऑलमोस्ट बहुत थिक हो गया है। तो हम इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, और जैसे ये ठंडा हो जाए हम एक ऐसा कंटेनर ले लेंगे या फिर कोई भी बॉक्स ले लेंगे, आपको जिसमें भी बर्फ़ी जमाना हो, आप इसको थाली में भी जमा सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा घी ग्रीस करके इसको डाल लीजिए, ये बर्फ़ी का मिक्सचर को। आप चाहे तो इसमें बटर पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। सो ये देखिए, हमने सारा ये बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो इस बॉक्स में डाल दिया है, और अब चम्मच के हेल्प से इसको लेवल कर देंगे अच्छे से, ताकि ये चारों तरफ से एक जैसा लगे। ये बर्फ़ी को हम पलटेंगे नहीं, तो मैं ऊपर से ही इसके ड्राई फ्रूट सजा दे रही हूँ। अगर आपको इसको पलटना है तो आप बर्फ़ी का मिक्सचर डालने से पहले ही इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए ये बॉक्स के ऊपर। तो ये आलमंड्स डालने के बाद हम चम्मच से थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे, ताकि ये भी अच्छे से सेट हो जाए, और इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में अब हम रख देंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट्स डालना है आप वो डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, 2 घंटे हो गए हैं और हमारी बर्फ़ी जो है वो परफेक्ट जमकर भी रेडी हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। सो आपको जैसा भी शेप में इसको कट करना है, आप अपने मन चाहे शेप में इसको कट कर सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। और इसको कट करने के बाद चाकू के मदद से ही इस एक एक बर्फ़ी को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये हमारी नारियल और आम की बर्फी बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको मेरी ऐसे ही न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।